नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ और मैं हूं रूहानी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस अपना जो कार्य है वो पूरी जिम्मेदारी से कर रही है, उसी के तहत जो है कहीं ना कहीं कहा जाता था कि हमारी सोसाइटी को ड्रग फ्री करना है, जिस तरह से हमारे युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेलने की कोशिश जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, उसी के तहत कहीं ना कहीं ड्रग फ्री सोसाइटी के तहत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में जो गांधीनगर पुलिस है उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। और कामयाबी के तहत हम आपको बता दें, एक ड्रग पैडलर को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है और उससे 100 ग्राम जो है हीरोइन जो है वो मिली है और जिसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और दूसरी कामयाबी की हम बात करें तो गांधीनगर पुलिस ने कहीं ना कहीं एक नोटोरियस क्रिमिनल को उनको जो है पकड़ा है और उससे जो है कंट्री मेड एक रिवॉल्वर जो है वो बरामद हुई है, जिसको देसी कट्टा भी कहा जाता है, और 2 लाइफ कार्टरेजेस भी उससे बरामद हुए हैं। तीसरी बड़ी कामयाबी इस तरह से है कि एक मेजर गैंग वॉर को कहीं ना कहीं उसको जो है उसको वो जो है होने से रोकने के लिए गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 2 नोटोरियस क्रिमिनल उनके द्वारा जो है पकड़े गए हैं और उनसे भी 2 कंट्री मेड रिवॉल्वर और 1 6 लाइव जो है वो राउंड जो है वो बरामद किए गए हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर गांधीनगर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी जो है, कहना चाहेंगी किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपना काम पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से कर रही है और चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं। हमें हम लोग अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट देते हैं कि हमारी तरफ से लोगों को जितनी राहत मिल सके, बिकॉज़ वी आर एट द सर्विस ऑफ जनरल पब्लिक। तो उसके लिए अभी हम लोगों के जो एफर्ट्स चल रहे हैं, मेरी हमारी गांधीनगर टीम ने यहाँ पर 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स अभी लास्ट within 2-3 days में वी हैव डन 3-4 operations, जिसमें हमने 2-3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े हैं अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ SP साउथ विनय कुमार सर एंड SSP जम्मू विवेक गुप्ता सर। 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, दे वर नैप्ड बाय गांधीनगर पुलिस, देन आफ्टर दैट एंड फ्रॉम देम वी हैव रिकवर्ड 2 कंट्री मेड पिस्टल्स विद द लाइव ड्रोन्स, एंड देन वी हैव नैप्ड 1 मोर नोटोरियस क्रिमिनल एंड फ्रॉम हिम ऑल्सो वी गॉट 1 कंट्री मेड पिस्टल एंड लाइव ड्रोन्स। आफ्टर दैट वी रिकवर्ड 100 ग्राम्स ऑफ हीरोइन एंड द ड्रग डीलर ही सेज ही गॉट दिस सप्लाई फॉर द कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट। सो इट्स वी ट्राइंग टू सी कि यहाँ इसका नेटवर्क कितना है, कहाँ से आ रहा है, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ अवर इन्वेस्टिगेशन। वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग अवर बेस्ट। नॉट ओनली दिस, बिफोर दिस वीक वी गॉट 60 ग्राम ऑफ हीरोइन गंग्याल पुलिस स्टेशन, एंड विद इन डे बिफोर येस्टरडे आई गेस गाड़ीगढ़ में 14 ग्राम हम लोगों ने फिर हीरोइन पकड़ा है। सो इट्स हमारा अपना साउथ डिवीजन की तरफ से अंडर द सुपरविजन ऑफ SP साउथ एंड SSP जम्मू वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि जितना भी हम कंट्रोल कर सकें एंड इस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को, बिकॉज वी विल से वी विल नॉट स्पेयर एनीबडी इन ड्रग रिलेटेड केसेस। सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, थैंक यू। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही है, उसी के तहत कहीं ना कहीं ड्रग फ्री सोसाइटी जो है हर एक शख्स चाहता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक ड्रग पैडलर को पकड़ा है, जिससे 10 ग्राम हीरोइन जो है वो बरामद हुई है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपये बताई जा रही है। दूसरी बड़ी कामयाबी इस तरह से एक नोटोरियस क्रिमिनल को भी इनके द्वारा पकड़ा गया और उससे जो है जो देसी कट्टा जो है वो भी पकड़ा गया और लाइव राउंड्स भी उनसे बरामद हुए। तीसरी बड़ी कामयाबी इस तरह से है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की पहचान भी यही है कि क्राइम को ख़त्म करने के लिए पूरी जिम्मेदारी अपनी समझती है, तो उसके तहत भी 2 क्रिमिनल्स जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं उनको भी पकड़ा गया और उनसे भी लाइव राउंड्स जो है और 1 कंट्री मेड रिवॉल्वर भी उनसे पकड़ी गई। तो यही हमने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम कर रही है, ताकि जो है ड्रग फ्री सोसाइटी हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए क्राइम फ्री सोसाइटी हो। तो इसी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े देखते रहिए श्री न्यूज़। इसी के साथ कैमरामैन शिव के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।